नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज का नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर एप्पल का वॉश बेसिन है जो कि शीशा का है। ये जो वॉश बेसिन है ये शीशा का है, इसको हम लोग आज इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाता है, वीडियो पर एंड तक बने रहें तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरह से वॉश बेसिन फिटिंग किया जाता है। और ये जो वॉश बेसिन है कुछ अलग प्रकार का वॉश बेसिन है, इसका जो फिटिंग है कुछ अलग प्रकार का फिटिंग है, क्योंकि दोस्तों ये इसका जो स्टैंड आता है ये SS का स्टैंड आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार का इसका स्टैंड है और इसी पर ये वॉश बेसिन है ये टंगाता है। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहे तभी आप समझ पाएंगे किस तरह से फिटिंग किया जाता है। बिल्कुल बारीकी से A to Z जानकारी देने वाले हैं इसके फिटिंग के बारे में। सबसे पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। 34 इंच से 36 इंच तक इसका हाइट रहता है, जो ग्राउंड है लेवल है इसको से 34 से 36 इंच इसको सेंटर रखेंगे। इस तरह से पहले मार्का लगाएंगे। यहाँ पर हम रखने वाले हैं 36 इंच रखने वाले हैं। 36 इंच रखने का रीजन ये है कि यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है ये थोड़ा सा हाइट है, इसको कभी भी जो इसका जो वॉश बेसिन का पॉइंट है 14 इंच से 16 इंच पर होता है, यहाँ पर ये काफी हाइट पर है, तो इसके वजह से हम लोग इसको रख रहे हैं, हाइट जो रख रहे हैं 36 इंच रख रहे हैं। यहाँ पर इस तरह से मार्का लगाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट मार्का होना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इसका जो स्टैंड है ये परफेक्ट फिटिंग हो गया है। उसके बाद यहाँ पर जो शीशा जो रखाएगा उसके लिए यहाँ पर एक वॉशर दिया हुआ है, इस टाइप का वॉशर है, ये वॉशर है, इसको इस तरह से लगा देंगे। इस पे क्या होगा कि जो इस पे वॉश बेसिंग रखा जाएगा ये बिल्कुल पकड़ लेगा इस तरह से। उसके बाद इसको ऊपर वॉश बेसिन को रखेंगे। परफेक्ट हो गया है। यहाँ पर जो वॉशर है ये पकड़ कर रख लेता है, यहाँ पर हिलने नहीं देता है। उसके बाद इसका जो नीचे का हिस्सा है इसको पर भी एक रखाने वाला है। इसका नीचे का जो स्टैंड है उसको ऊपर ये आएगा, उससे पहले हम इसका जो टाइप आएगा पिलर कुक आएगा इसको टाइट कर लेंगे। दोस्तों ये पिलर कुक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको यदि इस तरह से डाल रहे हैं ये अंदर चला जा रहा है। ये चीज हर जगह शिकायत मिलता है, तो यहाँ पर जो सीपी कैप होता है इसको लगाना पड़ता है, तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर एक वॉशर दे देंगे, उसके बाद इस तरह से इसको फिटिंग करेंगे। नीचे से वॉशर एक लगाएंगे,
यहाँ पर देख सकते हैं पिलर कोक जो है ये परफेक्ट फिटिंग हो गया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं एकदम ये प्रॉपर टाइट होना चाहिए। बहुत लोग करते हैं कि लूज रहने देते हैं, प्रॉपर टाइट नहीं करते हैं, इसको यूज करने में ढीला हो जाता है, अप डाउन करने लगता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट टाइट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अब नीचे की ओर जो है इसको रखेंगे इस तरह से और बराबर सेंटर निकालेंगे, अप डाउन नहीं होना चाहिए इस तरह से, देख सकते हैं ये चिपक गया। उसके बाद हम यहाँ पर वेस्ट जाली जो है वेस्ट जाली कसेंगे इस तरह से टाइट करेंगे और इसका जो वेस्ट पाइप है इस तरह से आएगा और यहां से पानी ड्रेन हो जाएगा। इधर से आओ दोस्तों, वॉशबेसिंग इंस्टॉलेशन पूरा हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको तक पहुंचे और कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो पाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।